सत श्री अकाल जी सारे नूं स्वागत है जी तुहाडे अपने YouTube चैनल जिहदा नाम आयल्स जर्नी 46। सो दोस्तों तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल नूं तुसीं बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। इन्ने सारे कॉमेंट्स मैनूं पढ़न लई आउंदे आ, तुसीं इहना फिक्र कराया करो, मैं हर एक कॉमेंट नूं पढ़दा ते कोशिश करदा हाँ ते मैं उहदा रिप्लाई भी करा। जिहड़े स्टूडेंट्स मैनूं काफ़ी सारे मॉड्यूल्स दे उत्ते डिफरेंट मॉड्यूल्स दे उत्ते वीडियो बनाउण नूं कह रहे आ, दोस्तों तैयार रहो, हुण वीडियोज़ आपणियां कॉन्टीन्यूज़ आउणगियां। हफ्ते दे विच कोशिश करूँगा 3 to 4 वीडियोज़ अपलोड कर सकां, सो वीडियोज़ आपणियां कॉन्टीन्यूज़ आउणगियां। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो प्लीज पहले सबसक्राइब कर लो ते नाल दी नाल बेल आइकन ते क्लिक कर लो। चैनल नूं यार जरूर सबसक्राइब कराया करो। देखो जे तुसी चैनल नूं सबसक्राइब करोगे एक मोटिवेशन मिलती है, जिहदे नाल होर दिल करदा है कि चंगे तो चंगा कॉन्टेंट लैके तुहाडे सामने आवां। सो ज्यादा गल्लां ना करदे होए अज आपां वीडियो ते तुसी टॉपिक देख ही लिया होगा थंबनेल दे विच। जेकर तुहानूं आयल्स स्पीकिंग च सब तो ज्यादा डर लगता है, जेकर तुहानूं पता नहीं लगता कि आयल्स स्पीकिंग च करना की आ, या जदों तुसी स्पीकिंग स्टार्ट करदे आ तां तुसीं बिल्कुल ब्लैंक हो जांदे, तुहानूं पता ही नहीं लगता कि आइडिया किहड़ा लिआउणा आ या आइडिया बोलना की आ, मैं इहनूं एक्सप्लेन किदां करां। देखो इस तरह की प्रॉब्लम ना एक बच्चे या दो बच्चे या तीन बच्चे नूं नहीं आउंदी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की यह प्रॉब्लम है। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यह है कि सर जो बोलना स्टार्ट करता हाँ जो मैं सोचा आता मैं बोल ही नहीं पाँगा तो आउट ऑफ टॉपिक चल जाता है। सो उस चीज़ का अज आप हल लैके आए हैं। सो उस चीज़ में मैं तुहानूं बिल्कुल ईजी तरीके समझाऊंगा, जेकर तुसीं यह टैक्नीक फॉलो कर लो तो बिल्कुल। मैं तुम्हें एक चीज़ कहूँगा कि जेकर तुहाडी रिक्वायरमेंट 6 दी है ना, एटलीस्ट 6 तो थले नहीं तुसी आओगे जेकर तुसी ए टैक्नीक फॉलो कर लोगे। सो प्लीज़ इस वीडियो नूं पूरा देखियो, वीडियो बिल्कुल छोटी जी है, सो वीडियो नूं शुरू तो लैके एंड तक देखियो। मैं हर एक चीज़ नूं प्रॉपर तरीके नाल एक्सप्लेन करूँगा तो दसूँगा कि आपां किसी भी क्यू कार्ड नूं एक चंगे तरीके नाल किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेखो पहली चीज़ एक अपनी दिमाग च रख लो, क्रैमिंग ना करो। जेकर तुसी क्रैमिंग करदे ने वेखो मक्कड़ वाले क्यू कार्ड होंदे आ, और उस बच्चे जाके पहली लाइन इंडिया इज अ डायवर्स कंट्री, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इदा के जो तुम वर्ड वो सामने बोलोगे एग्जामिनर मिनट के बिल्कुल ए फड़ लेंगे एग्जामिनर तुम कि बच्चा क्रैमिंग करके आया। सो जेकर नैचुरल होकर बोलोगे, स्पीड स्लो रखोगे, एक्सेंट ना यूज करो, आपू सीधी एक प्रोनंसीएशन करनी नहीं आ रही किसी वर्ड की तो आप एक्सेंट यूज़ कर रहे, वो चीज़ गलत है। सो अज की वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन करके दसूंगा कि क्यू कार्ड में आप किस तरह एक्सप्लेन कर। सब तो पहले मैं तुम्हें ना ये बुलेट पॉइंट के 1 by 1 करके समझाऊंगा कि क्यों अपनी हैजीटेशन आती है, क्यों आप एकदम ब्लैंक हो जाने अपने को बोलिया नहीं जाता। सो मैं फस्ट ऑफ ऑल पहले तुम्हें 1 by 1 करके दसूंगा कि किसी भी क्यू कार्ड जो कोई भी क्यू कार्ड थोड़े अगे आता है तो उन्होंने एक स्टोरी जनरेट करके किस तरह बोल सकते हैं, बी नैचुरल होकर किस तरह बोल सकते हैं। ठीक है, नैचुरल होकर बोलोगे, ज़्यादा वोकैबलरी वाल ध्यान ना दोगे, दैन थोड़े आराम नाल बैंड आ सकते हो। ठीक है, सो पहला मैं तुम्हें एक एक करके एक्सप्लेन करता तो टाइम का यूटिलाइजेशन दसदा कि टाइम किस तरह यूटिलाइज करना एक स्मार्ट वे ना। ठीक है, जिस तरह कि तुम्हें सारे पता है कि क्यू कार्ड जो भी अपने अगे आ जा आप एग्जामिनर क्यू कार्ड देता है तो अपने को सिर्फ 1 मिनट प्रैपरेशन का होंगे तो 2 मिनट आप कॉन्टीन्यूस बोलना होंगे। लास्ट वाली एक वीडियो से मैंने कॉमेंट आया कि सर जो सपोज करो 2 मिनट मेरे तो मतलब मैं 2 मिनट तो ज़्यादा एग्जामिनर मेरे तो सुन सकता है। सो ये टोटली डिपेंड करता है एग्जामिनर के उत्ते। वेखो जे तुहाडा पहला इंप्रैशन ही चंगा पाऊगा ना तो एग्जामिनर 1 या 1.5 मिनट ही सुनते, तो वध नहीं सुनते क्योंकि पहली लाइन तो जज कर लेंगे कि बच्चा मतलब स्पीकिंग यदि अच्छी है कि नहीं अच्छी। सो अपना इंप्रैशन चंगा रखो पहला। सो ये टोटली डिपेंड करता है एग्जामिनर के उत्ते कि तुहानू 2 मिनट पूरा अलाउ करता बोलने वास्ते कि जेकर तुहानू स्टॉप करा दिंदा है। एक होर प्रॉब्लम हैगी है, जेकर एग्जामिनर तुहानू स्टॉप करवाउंदा है दैन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वो तुहाडे बैंड नहीं कटूगा, बट जे तुसीं चुप करके दैन डेफिनेटली फिर तुहाडे बैंड कटूगा। ओके, सो ये मैंने कल एक कॉमेंट के आया सीगा, उहदा मैं रिप्लाई देता तुहानू। ठीक है, सो मैंने लगता कि काफ़ी सारे बच्चों के जो डाउट्स जो क्लीयर हो गया होगा। ओके, सो जिस तरह की आप क्यू कार्ड देख सकते हैं, टॉक अबाउट द रेस्टोरेंट वेयर यू ऑफन विजिट, ये 4 bullet points दिते हुए आप, नेम ऑफ द रेस्टोरेंट वेयर इट इज़ कितने लोकेटेड है, हाउ ऑफन डू यू गो देयर एंड टॉक अबाउट द स्पैशल थिंग अबाउट दैट प्लेस। ये 4 points के जेकर तुसी एक भी पॉइंट मिस किया दैन डेफिनेटली एग्जामिनर बैंड कटूगा क्योंकि उन्हें तुम्हें रिटन के सामने दिता, तो जे तुम टास्क में पूरा अचीव ही नहीं करोगे दैन डेफिनेटली एग्जामिनर तुम्हारे बैंड कटूगा। सो पहली ये चीज़ में समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस तो बाद जिस तरह 15 to 20 seconds, आई एम टॉकिंग अबाउट सैकेंड्स नॉट मिनट, 2 मिनट का क्यू कार्ड आप 2 मिनट का यूटिलाइजेशन करना तुम दसदा है। देखो 15 to 20 seconds आप करना है, आप क्यू कार्ड में इंट्रो देनी होती उस चीज़ में, थोड़ा तुम वार्म अप हो जाओगे बोलने लगे, ये नहीं कि सीधा आप शुरू हो आई हैव विजिटेड नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स, हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द 1 रेस्टोरेंट,
100% स्टूडेंट मैं लगता मैं 100 to 90% नहीं पूरे स्टूडेंट्स ये चीज़ कह रहा देखो जिन्होंने तो इंग्लिश जिन्हें चंगी है तो हैंडल कर लेंगे बट जिन्हें इंग्लिश बहुत वीक है उन्होंने पता ही नहीं होता टाइम कवर अप नहीं हो रहा उन्होंने ये वीडियो है ठीक है सो इसी ध्यान देखियो वेखो की करना आप पहले रेस्टोरेंट को आप कि रिलेट कर सकते हैं जिमें लास्ट वाले क्यू कार्ड मैं दसिया जेकर तुम वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक भी दिता तो चैनल पर जाके स्पीकिंग वाली वीडियो तुम पहले भी देख सकते हो ये भी मैं एक्सप्लेन कर देना वेखो रेस्टोरेंट अपने को रिलेट कर सकते हैं आप खाण पीन रिलेट कर सकते हैं ठीक है सो खाण पीन आप किस तरह मतलब 15 to 20 seconds आप क्यू कार्ड में एक्सप्लेन करिए इंट्रो करिए यही नहीं कि सीधा आप रेस्टोरेंट का नाम दस दिए सो किस तरह आप बोल सकते हैं आई एम अ फूडी परसन आई लव टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड आई ऑलवेज फाइंड द टाइम वैन आई कैन गो आउटसाइड विद माई फैमिली और फ्रेंड्स टू इंजॉय डिफरेंट काइंड ऑफ फूड सो हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेखो जेकर तुम क्यू कार्ड इस तरह स्टार्ट करोगे ना तो खुद को नहीं पता लगेगा कि 2 minutes किमें निकल गए प्लस एक नैचुरल चीज़ हो जूगी नैचुरल टोन हो जूगी ए नहीं लगेगा कि तुम कितों क्रैमिंग की है जिस तरह मैं पहला दसा कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री वेखो मक्कड़ के क्यू कार्ड एक्सप्लेनेशन PDF फाइल तुहाडे कोल सारे मेजोरिटी ऑफ इस तरह दाइनस होंगे जेकर तुम सेम एज इट इज़ बोलोगे तो एग्जामिनर वो तो मिनट से फड़ देंगे वो तो बैंड कट्टे क्योंकि क्रैमिंग नहीं मेन चीज़ उन्होंने तुहाडा कॉन्फिडेंस देखना है कि तुम नैचुरल किस तरह बोलते एक नेटिव स्पीकर वांगू बोलते कि नहीं बोलते ठीक है सो जे तुम ये टैक्नीक फॉलो कर लोगे आराम आराम 6 minutes कितने नहीं गए वह जिन्हें मर्जी ले लो प्रैक्टिस करके नैक्सट क्वेश्चन नेम ऑफ द रेस्टोरेंट तुम नेम ऑफ द रेस्टोरेंट दसता उस तो बाद सीधा दूजे क्वेश्चन पर आए ना वेयर इट इज़ कितने लोकेटेड है तुम दस दो फलानी जगह रिलेटेड है लोकेटेड सॉरी मेरे घर तो 2 kilometers दूरी पर है मतलब फिर तीजे दे आ जाओगे ऑफन डेली मैं हफ्ते से 2 times जाना है सो जेकर इस तरह एक्सप्लेन करोगे बिल्कुल गलत टैक्नीक है पहली चीज़ तो यह वेखो कि क्यू कार्ड थोड़ा जहा एक्सप्लेन कर दो वार्म अप जिन्होंने आप कह दें थोड़ा वार्म अप हो जाओगे थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो कि रेस्टोरेंट तुम खाने पीने के शौकीन है ताइयों तुम डिफरेंट प्लेसिस से जाते रहते हो ओके उस तो बाद आप क्यू कार्ड देखो इन 4 bullet points शफल करके बोलोगे ना कोई दिक्कत नहीं है सपोज करो तुम नाम दसता उस तो बाद कितनी बारी जाते ये दसता फिर सैकेंड वाला बुलेट पॉइंट बोलिया दैन बैंड नहीं कटूंगा जनरल नॉलेज का टेस्ट बिल्कुल नहीं आ होर भी चीज़ा मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करूँगा जिन्होंने बहुत सारे बच्चों लगे कन्फ्यूजन है ना कि शायद अभी ये कह दी कि रोज़ गार्डन अमृतसर से तो एग्जामिनर शायद बैंड कट लूगा इदा की कोई चीज़ नहीं है एग्जामिनर बैंड नहीं कट सकता वो थोड़ा सिर्फ कॉन्फिडेंस देखता है तुहाडा वे ऑफ टॉकिंग देखता है कि तुम किस तरह इंग्लिश बोल रहे हैं ओके नेम ऑफ द रेस्टोरेंट नेम ऑफ द रेस्टोरेंट तुम दस सकते हो वह नाम दस सकते हैं प्लस वो दस रहे हो कदों खुलिया कदों ओपनिंग से वो मतलब ये सबॉर्डिनेट आइडियाज़ वो किदे द्वारा चलाया जा रहा वो बंदे का नाम दस सकते हैं तुम अपने शहर के अपने ब्रदर का नाम या कुछ भी अपने शहर अपने ब्रदर ने भी कोई रेस्टोरेंट खोलिया हो सकता है तुम वो बारे बोल सकते हैं कोई तुहाडा मतलब अगों फ्रेंड नोन च हैगा आ उन्हें खोलिया वो बारे बोल सकते हैं कि रिश्तेदार ने खोलिया तो कदों खोलिया कितने आ नाम की रेस्टोरेंट का वो सिटिंग प्लैन बारे गल कर सकते हो मतलब कला नाम दस के ना सीधा दूजे पॉइंट पर आ जाया करो ठीक है दूसरा पॉइंट वेयर इट इज़ लोकेटेड हूँ सिंपल बोलेंगे इट इज़ 2 kilometers फार अवे फ्रॉम माई होम ओके तुम ये बोल के सीधा तीजे बुलेट पॉइंट पर आए ना सीधी मेन प्रॉब्लम यह है तुम्हारी हैजीटेशन पॉज आने का कारण यही है सैकेंड वेयर इट इज़ ये कितने लोकेटेड है तुम ये बोल सकते हैं वैल दिस इज़ लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ माई सिटी एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस बिकॉज देर इज़ नो ट्रैफिक It is a very spacious place. So I think my all friends like to visit there because this place is very calm and composed place. Calm and composed मतलब एक बड़ी शांतमय जगह है ठीक है सो ये थोड़े थोड़े सबॉर्डिनेट आइडियाज उस तो बाद तीजे हाउ ऑफन डू यू गो देयर तो बोल सकते हैं आई एम स्टूडेंट आई डोंट हैव इनफ टाइम बट आई ऑलवेज फाइंड द टाइम वैन आई कैन गो देयर सो इन मंथ if I talk about in month, I just go there twice a month बोल सकते हैं सो ये थोड़े थोड़े सबॉर्डिनेट आइडियाज़ कि मेरे को टाइम नहीं हैगा बट फिर भी मैं कोशिश करता उत्थे जाने की महीने के मैं 2-3 times उत्थे चल जाना है जेकर तुम इस तरह बोलोगे ना तो खुद को पता नहीं लगेगा कि असी कितना नैचुरल बोल रहे हैं ठीक है सो इस चीज़ को टैक्नीक फॉलो करके देखिए देखो लास्ट वाला टॉक अबाउट अ स्पैशल थिंग अबाउट दैट प्लेस तुम उसके खाने बारे गल कर सकते हैं तो उसी उत्थे स्पैशल थिंग बारे बोल सकते हैं कि उत्थे वीडियो सर्विलेंस कैमराज इंस्टॉल ईच एंड एवरी कॉर्नर उत्थे तुम बोल सकते कि डिफरेंट सैक्शन है फर्नीचर प्लैन सिटिंग प्लैन उत्थे बड़ा अच्छा है क्विक सर्विस है तुम आ पॉइंट के इनफिनिटी ऑफ आइडियाज़ दे सकते हैं हुण मैं तुहानू क्यू कार्ड नू एक्सप्लेन करके दसूँगा पूरा बोल के इन क्यू कार्ड नू
किस तरह एक 2 मिनट के बड़े आराम नाल चार बुलेट पॉइंट कवरअप कर सकते हैं। मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करके दसदा विद विच ओदे वोकैबुलरी दे वर्ड यूज़ करूँगा, पर वोकैबुलरी की वीडियो भी मैं बनाई है, वह वाली वोकैबुलरी के वर्ड इच यूज़ करूँगा। जेकर तुसी वह भी वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो जाके देख सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, नहीं तो चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हो। सो मैं हूँ तुम्हें एक्सप्लेन करके दसदा क्यू कार्ड किस तरह आप 2 मिनट एक वधिया तरीके बोल सकते हैं। मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करके दसूंगा तो तुम्हें नहीं पता लगेगा कि किस तरह मैं 2 मिनट में चार बुलेट पॉइंट कवर अप करके उन्हें एक चंगी टोन के बोल सकता हाँ। तो एक स्लो स्पीड से ध्यान रखियो कि स्पीड कि बोलता मैं। देखो स्पीड से ध्यान रखोगे दैन 2 मिनट तुहाडे आराम नाल कवर अप हो जाएंगे, स्पीड से ध्यान नहीं रखोगे दैन 2 मिनट तुहाडे लई पहाड़ बन जाएंगे जिते तुहानू चढ़ना औखा हो जाएगा। इस करके हुण मैं तुहानू एक्सप्लेन कर रहा। रेस्टोरेंट इज द प्लेस वेयर पीपल ऑफन गो विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू स्पेंड क्वालिटी टाइम ओवर देयर। I am a foodie person. I always visit these kind of places to enjoy different kind of delicious food. But here I am going to talk about the one restaurant which is located nearby my home. It is just 2 kilometers far away from my home and it is located outskirts of my city. I am a student. I don't have enough time, but whenever I get time, I just visit that place to enjoy different kind of exotic food. So this is the place which is full-fledged place. There are so many things which are appreciable. But the best thing which I like about that place is ambience of that place. And the second thing, the quality of food. The staff over there were very dedicated and determined. They know how to talk with their customers. It's a very spacious place. I remember last time when I visited that place, I ordered food and I just received my food within 5 minutes. So this is the restaurant. I would like to say that every citizen of my city should go there and enjoy the food over there. ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਿੰਗਸ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਟਿੰਗ ਪਲੈਨ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਈਡੀਆ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਕਵਰ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਸਕਣ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਉੱਤੇ ਵਿਊ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।